सकता है। 11 भटूरे खा के दिखाए हमें 5 मिनट में हमारे, हम 1100 रुपए नकद इनाम देंगे तुरंत। ये बताते छोले भटूरे खा के कहते हैं छोले भटूरे जी जी अच्छा है छोले भटूरे कैसे लगे? सही लगे। हमारा समोसा बहुत दूर दूर तक लोग खाने आते हैं हमारे यहाँ। दूसरी बार बढ़िया क्वालिटी का अच्छा है ना, लगता है कि घर जैसा खाना है, तो बहुत बहुत अच्छा, आई एम फुली सैटिस्फाइड। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली शहर के पुराना रोडवेज बस अड्डे पर, और रोडवेज बस अड्डे के ठीक सामने है मोहन पुरीवाल। अगर आप 5 मिनट में 11 भटूरे मोहन पुरीवालों के रेस्टोरेंट पर आकर खाते हैं तो 1100 रुपए का नगद इनाम भी आपको दिया जाएगा। मोहन पुरी वालों का दावा है कि हमसे अच्छा और हमसे सस्ता समोसा कोई और दे नहीं सकता है। तो चलते हैं यहाँ के ऑनर से करते हैं हम बात। आप दावा करते हैं कि हमारे यहाँ का समोसा आपको बरेली शहर में किसी और जगह नहीं मिलेगा, क्या क्या डालते हैं उसमें और किस तरह का आपका समोसा रहता है? सर हमारे यहाँ देखिए सिर्फ पैकिंग का काजू, ये सिर्फ पैकिंग की किशमिश है। अच्छा। नवकारक करके ये कंपनी आती है, इसकी किशमिश, इसी का काजू। अच्छा। और प्रॉपर बिल्कुल सब कंपनी का आइटम लगाते हैं हम समोसों में भी, जो भी मसाले वगैरह जो भी चीज़ें हैं हमारी सब कंपनी आइटम होता है। और पनीर भी बिल्कुल एक नंबर क्वालिटी का लगाते हैं हम अपनी तरफ से। अच्छा। कि कस्टमर खाए और खा के फिर दोबारा लेने आए। अच्छा। कि हमने समोसा खाया। अच्छा, क्या कॉस्ट रहती है? हमारे यहाँ समोसे की कॉस्टिंग है 10 रुपये। अच्छा। सिर्फ 10 रुपये का समोसा है, आप अभी खा के देखिएगा जरूर। बाबा क्या खा रहे हैं? समोसा लिया है। समोसा, क्योंकि समोसे की यहाँ पर काफ़ी अच्छी बताते हैं, वैरायटी बहुत बढ़िया है और अच्छा इसमें मेवे भी पड़े होते हैं, बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगा? बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा समोसा है। मैं दूसरी बार, बढ़िया क्वालिटी है, अच्छा है ना। हाँ जी। तो हम बहुत टाइम से अभी यहीं खा रहे हैं, मतलब चाहे आप आटे की क्वालिटी ले लीजिए या फूड कुकिंग की क्वालिटी ले लीजिए, ऑयली भी नहीं होता, बहुत बहुत अच्छा बैलेंस फूड मिलता है यहाँ पर। अच्छा। तो आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद इट। अच्छा, रेट कैसे रहते हैं? रेट्स भी बहुत इकोनॉमिकल हैं सर, मतलब अगर मैं सोचूं कि एक रायता और फिर उसके साथ में 2 सब्जी, फिर उसके बाद में कचौरी 2 तरीके की आपको 60 रुपये में मिल जाए, तो बहुत मैं सोचता हूँ कि हाँ बरेली शहर के हिसाब से बहुत ठीक रेट्स में भी है, और उस रेट्स के हिसाब से आप सोचो ये क्वालिटी निकालना, ये अपने आप में चैलेंज है। तो आई एम फुली सेटिस्फाइड। बेटी क्या नाम है? अलिश्का। हाँ जी, अलिश्का। अलिश्का, क्या पिया था आपने? चाय पिया था। हाँ। कैसी लगी आपको चाय? अच्छी। अच्छी लगी? अच्छा अच्छा, और आप बताइएगा सर कैसी चाय है? चाय बेहतरीन है। आप फर्स्ट टाइम आए? जी जी, फर्स्ट टाइम आया। कैसी चाय? काफ़ी टाइम बाद आया, वैसे तो पहले भी हो गए यहाँ पे, मैं अभी काफ़ी टाइम बाद आए। अच्छा, और भी कुछ यहाँ पर खाया है आपने? जैसे कि ये बताते हैं छोले भटूरे खा के कहते हैं छोले भटूरे। जी जी, अच्छा है स्वाद, बेहतरीन। सूरज भाई किस तरह का खाना है आपके पास में और क्या क्या सब्जियों में देते हैं? ये थाली हमारी स्पेशल, उसमें कॉटेज चावल होगा, 4 रोटी बटर होगी, मटर पनीर होगा, अरहर की दाल होगी, रायता होगा। 150 रुपये की थाली है। 120 वाली थाली में क्वार्टर राइस होगा, मिक्स फ्रेश सब्जी होगी, अरहर की दाल होगी और रायता होगा, छोले होंगे। बाहुबली थाली है 250 रुपये की, क्वार्टर चावल, 10 तवा रोटी होंगी और अरहर की दाल होगी, छोले होंगे, रायता होगा, मटर पनीर होगा, एक पानी की बोतल। ठीक है, हमारा थर्सडे का ऑफर है, 5 मिनट में अगर कोई 11 भटूरे खाएगा तो हम उसे 1100 रुपये नकद इनाम देंगे। और ये हर महीने, महीने के 4 दिन होते हैं, थर्सडे 4 थर्सडे होते हैं, हर थर्सडे के लिए अप्लाई है। साल भर में जब भी कोई भी आना चाहे आ सकता है। 11 भटूरे खा के दिखाए हमें 5 मिनट में हमारे, हम 1100 रुपये नकद इनाम देंगे तुरंत। इतना चैलेंजिंग कैसे है? क्या लगता है आपको नहीं खा पाएंगे? भटूरा इतना बड़ा है कि कोई 11 छोड़िए 5 भी नहीं खा पाएगा 5 मिनट में, इतना बड़ा भटूरा बनाते हैं हम। अच्छा जी, आपने मार्केट में भटूरे खाए होंगे, देखे होंगे, पर आप एक भटूरा हमारा खा के देखिए। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप एक समोसा खा के देखिएगा हमारा, एक समोसा खा के देखिए, एक भटूरा खा के देखिए, हमारी पूड़ी खा के देखिए। हमारी पूड़ी की इतनी वैरायटी है, हम कम से कम 10 तरीके की पूड़ियाँ बनाते हैं, 10 तरीके के भटूरे बनाते हैं, उसकी टोटल वैरायटी है। हम आपका मीनू, हम अपना मीनू दिखा देंगे आपको, आप बिल्कुल शेयर कीजिएगा, दिखाइएगा कि हमारे पास कितने तरीके की पूड़ियाँ हैं, कितने तरीके की भटूरे हैं। तो दोस्तों मेरे सामने आ गया है समोसा और आ गई है यहाँ की स्पेशल चाय, और मैं इसको खाकर बताता हूँ और चाय को पीकर बताऊँगा कि यहाँ का टेस्ट जो है चाय का और समोसे का कैसा है। वाकई में बहुत ही लजीज टेस्ट है और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि समोसे खाने का मैं बहुत शौकीन हूँ और मैं बहुत समोसे खाता हूँ, हर जगह के ट्राई भी करता हूँ, लेकिन
जैसा समोसा यहाँ बनता है मोहनपुरी वालों के पास, वैसा वाकई में आपको समोसा कहीं और मिल नहीं सकता है। और चूँकि थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं इसको खा लूँगा, लेकिन चाय है गर्म है अभी, लेकिन मैं इसको कुल्हड़ वाली चाय है, और कुल्हड़ वाली चाय है मुझे लगता है बहुत सारे लोग पीने के शौक भी रखते हैं। मैं पीकर आपको दिखा रहा हूँ। ओहो क्या बात, इलायची का तड़का लगा हुआ है और एकदम इतनी गजब चाय है जिसका जवाब नहीं है। भैया आप एक बार ज़रूर मोहनपुरी वालों के पास आकर यार समोसा और ये चाय और जो जो चीज़ ये बनाते हैं फिलहाल उसका टेस्ट ज़रूर लें। एक बार ज़रूर यहाँ पर आकर यहाँ की जो भी सारी चीज़ें हैं उसको खाकर ज़रूर देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा।